हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। राधा अपनी माँ सीता के साथ रहा करती थी। राधा काफी सुंदर थी, पर उसकी इतने सुंदर होने के बाद भी उसकी शादी कहीं नहीं हो रही थी। ऐसे ही एक शाम राधा अपने ऑफिस से घर आ रही थी, तभी राधा को देखकर उसके पड़ोस की आंटियां आपस में बात करते हुए कहती हैं, देख रही हो बहन, 25 की हो गई है, अभी तक इसकी शादी नहीं हुई, ना जाने कब करेगी ये अपना ब्याह। क्या बहन, कैसी बातें करती हो, अब भला ये अपना ब्याह कैसे करेगी? इसका ब्याह तो तब होगा ना जब इसकी माँ इसको घर से निकालने की कोशिश करेगी। हाँ वो बात तो सही है, पर बहन आजकल के बच्चों को नहीं देखा तुमने, कैसे आपस में गुपचुप गुपचुप करते हैं, क्या पता इसका भी कोई हो। क्या बहन, कैसी बातें करती हो तुम, अगर इसका किसी और के साथ कुछ चल रहा होता तो अभी तक क्या कुंवारी रहती, अभी तक शादी कर लेती, और बोलने से पहले सोच तो लो। दोनों पड़ोसन आपस में बात कर ही रही होती हैं, तभी वहाँ राधा आ जाती है और उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहती है, आंटी जी आप दूसरों के घरों में ताका झाकी ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा। दूसरों के घर में किसकी बेटी विदा हो रही है और किसकी नहीं, किसका चक्कर किसके साथ चल रहा है और किसके साथ नहीं, इस चीज की जानकारी लेने से पहले आप अपने घर को देखिए कि आपके घर में आपकी बेटी कैसी है। राधा की ऐसी बातें सुनकर दोनों पड़ोसनों का मुंह बन जाता है और वो बिना कुछ बोले अपने अपने घर चली जाती हैं। तो वहीं राधा भी अपने घर जाती है, जहां वो देखती है कि उसके घर में कुछ मेहमान आए हुए हैं। अपने घर में आए हुए मेहमानों को देखकर राधा को कुछ समझ नहीं आता, जिस पर राधा की माँ सीता उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाती है और कहती है, राधा बाहर लड़के वाले आए हैं, इसलिए तू जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जा। पर मम्मी आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई, अगर आप मुझे ये बात बता देती तो मैं ऑफिस से जल्दी आ जाती ना, और कल तक तो कोई लड़के वालों की कोई चर्चा नहीं थी, फिर आज ये एकदम से कैसे आ टपके। पता नहीं बेटा, बस ये लड़के वाले आए हैं और उन्होंने कहा हमें तुम्हारी बेटी पसंद है, और जब मैंने इसके बारे में जानकारी निकलवाई तो पता चला ये तुम्हारी चचेरी मौसी का ननंद का लड़का है, यानी कि तेरी चचेरी मौसी की ननंद की फैमिली है ये। देख बेटा, लड़का अच्छे घर का है, यूँ अच्छे घर के रिश्ते बार बार नहीं आते, इसलिए मैं तो कहती हूँ कि तू शादी के लिए तैयार हो जा। पर माँ, मैंने तो आज तक इस लड़के को कभी देखा ही नहीं, तो मैं इससे शादी के लिए तैयार कैसे हो जाऊँ? बेटा तेरी शादी कहीं नहीं हो रही है, तेरे इतने सुंदर होने के बावजूद भी तू अभी तक कुंवारी बैठी है, लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं, लोगों के ताने सुनकर मैं मरूं, इससे तो अच्छा है ना कि तू मेरी पसंद के लड़के से शादी कर ले। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर राधा कुछ नहीं बोलती, जिसके बाद राधा इस शादी के लिए तैयार हो जाती है और थोड़ी देर बाद वो तैयार होकर बाहर आती। इस तरह राधा का रिश्ता करण नाम की एक लड़की से पक्का हो जाता है और बहुत जल्द ही राधा की उससे शादी भी हो जाती है। शादी के बाद राधा अपने घर की सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती है। राधा की सास राधा से बेहद खुश थी, और वो खुश होती भी क्यों ना, आखिर उसको इतनी सुंदर होने के साथ साथ इतनी संस्कारी बहू जो मिली थी। पर राधा को अब तक समझ नहीं आया था कि आखिर करण ने उससे पहले कहाँ देखा है और उसके घर रिश्ता लेकर आया। यही जानने के लिए रात के समय राधा अपने पति करण के पास जाती है और उसके पास बैठते हुए उससे कहती है, करण जी मुझे अब तक एक बात समझ नहीं आई है, और ये सवाल मेरे मन से अभी से नहीं बल्कि उस दिन से है जिस दिन आप मुझे मेरे घर देखने आए थे। हाँ बोलो राधा, क्या बात है, आखिर क्या सवाल घूम रहा है तुम्हारे दिमाग में? करण जी आखिर आपने मुझे कहाँ देखा जो सीधा मेरे घर रिश्ता लेकर आ गए? प्यार की कोई सीमा नहीं होती मेरी जान, प्यार कहीं भी किसी से भी हो सकता है, अब मुझे ही देख लो। पता है मैंने तुम्हें पहली बार कहाँ देखा था? मैंने तुम्हें एक शादी में देखा था, तुमने पिंक लहंगा पहना था, तुम्हारी पिंक लिप्स, तुम्हारी आंखें, सच में इन सभी चीजों को देख कर ना मेरा दिल तुम पर आ गया था। मैंने उसी दिन सोच लिया था कि तुमसे शादी करनी है मुझे, और जब मैंने तुम्हारे बारे में पता करवाया था तो मुझे पता चला था कि तुम मेरी बुआ की चचेरी भांजी हो, इसलिए बिना कोई देरी किए मैं तुम्हारे यहाँ रिश्ता लेकर आ गया। करण की बातें सुनकर राधा का दिमाग चकरा जाता है और वो उससे कुछ नहीं कहती और चुपचाप सो जाती है। समय यूं ही बीतता है। ऐसे ही एक दिन राधा मंदिर से वापस आ रही थी, तभी उसकी नजर एक लड़के पर पड़ती है।
जो एक ट्रक के नीचे आकर अपनी जान देने की कोशिश कर रहा था। तभी राधा भागती हुई उस लड़के का हाथ पकड़कर उसे खींच लेती है। वो लड़का देखने में काफी हैंडसम था, पर वो लड़का देखने में लाचार भी था। उसे इस हालत में देखकर राधा उससे कहती है, तुम कौन हो और इस तरह की हरकत क्यों कर रहे हो? तुम अपनी जान क्यों दे रहे हो? तुम्हें पता नहीं कि मनुष्य का जीवन कितनी मुश्किल से प्राप्त होता है? और देखने में तुम तो मुझे किसी अच्छे घर के लगते हो, तो फिर ऐसी हरकत क्यों? मैं अच्छे घर से ही हूँ, पर मेरी किस्मत शायद अच्छी नहीं। तभी तो भगवान ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मुझे मेरे प्यार ने धोखा दे दिया, मेरा घर परिवार सब छीन लिया, मैं बर्बाद हो गया हूँ। ऐसा भी क्या हुआ है तुम्हारे साथ जो तुम अपनी जान देने पर आ गए? मैं विराज हूँ और मैं एक लड़की से बेहद प्यार करता था। मैंने उसके लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया और जब मैं उसके साथ रहने लगा तब उसने मुझे एक लड़के के साथ मिलकर धोखा दे दिया। उसने मेरे पिता को अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मरवा दिया। उसने मुझे भी मारने की कोशिश करी पर मैं उसके चंगुल से निकल गया। तब तुम ही बताओ, जिसका प्यार धोखा दे जाए, जिसका परिवार उसके साथ ना हो, वो इंसान जी कर भी क्या कर लेगा? विराज की बात सुनकर राधा को बहुत बुरा लगता है और वो उसे काफी समझाती है। कोई बात नहीं विराज, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया, जरूरी नहीं कि इस दुनिया में तुम एक लौते हो जो इतना बुरा तुम्हारे साथ हो रहा है। हो सकता है कि तुमसे बुरा किसी और के साथ भी हुआ हो, इसलिए कभी लाइफ में हार नहीं माननी चाहिए। राधा उसको काफी समझाती है, जिसके बाद राधा उसे एक किराए पर कमरा दिलाती है, साथ ही उसके खाने पीने का इंतजाम भी कर देती है। समय यूं ही बीतता है। इस तरह राधा अब आए दिन विराज से मिलने आती है। देखते ही देखते विराज और राधा के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। पर ये देखकर राधा खुद को संभालते हुए विराज से कहती है, विराज मैं शादीशुदा हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरा रिश्ता खराब हो, क्योंकि मैं अपने पति से बेहद प्यार करती हूँ। तुम्हारे साथ मेरा अटैचमेंट बहुत ज्यादा हो गया और क्या पता ये नजदीकियां क्या रंग लाए। बस इसलिए अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं नहीं चाहती कि मेरे पति का तुम्हारे वाला हाल हो, क्योंकि जाने अनजाने में मैं भी वही कर रही हूँ जो तुम्हारे प्यार ने तुम्हारे साथ किया था। इसलिए हमें अब अपना मिलना जुलना कम करना होगा, हमें अपने बीच की नजदीकियों को कम करना होगा। राधा, कहीं ना कहीं मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, लेकिन सिर्फ अपने पति के लिए, तुम अपना ही प्यार एक्सेप्ट नहीं कर रही। नहीं विराज, नहीं, तुमसे पहले मेरी लाइफ में मेरे पति आए हैं और मैं उनको धोखा नहीं देना चाहती, इसलिए मैं तुम्हारे प्यार को कभी नहीं अपनाऊंगी। जरा सोचो तब तुम्हारी क्या हालत हुई होगी जब तुम्हारी पत्नी ने, तुम्हारे प्यार ने तुम्हें धोखा दिया था। मैं वो औरत नहीं बनना चाहती जो अपने पति को धोखा दे। विराज कुछ बोल पाता उससे पहले ही राधा वहाँ से चली जाती है। इस तरह से समय गुजरता है, पर राधा विराज की चिंता करना नहीं छोड़ती और वो उसे आए दिन मिलने जाती। ये देखकर विराज राधा से कहता है, राधा जब तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो तुम मेरी इतनी परवाह क्यों करती हो? क्यों तुम मुझसे मिलने आती हो रोज रोज? पता नहीं, पर जो भी है मुझे तुमसे मिलना बहुत अच्छा लगता है। वो सॉन्ग सुना है ना तुमने, तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, क्या है ये, क्यों है ये, हाँ मगर बड़ा अच्छा लगता है। राधा और विराज आपस में कुछ देर बातें करते हैं और थोड़ी देर बाद राधा वहाँ से अपने घर चली जाती है। राधा जब घर जाती है तो उसे पता चलता है कि वो और उसका पति किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहे हैं। और बस यही बात बताने के लिए राधा एक बार फिर विराज के पास जाती है। राधा को देखकर विराज खुश होते हुए राधा से कहता है, देखा राधा, मैं कहता था ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तभी तो तुम अभी मुझसे मिलने आ गई। विराज मैं तुम्हारे पास इसलिए नहीं आई क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बल्कि मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि आज और अभी हमारी ये आखिरी मुलाकात है। आखिरी मुलाकात? पर क्यों राधा? क्योंकि मैं अपने पति के साथ दूसरे शहर शिफ्ट हो रही हूँ और मैं अब यहाँ दोबारा फिर कभी नहीं आऊँगी। अब से तुम अपना ख्याल रखना विराज। इतना बोलकर राधा वहाँ से चली जाती है। इस तरह से विराज और राधा की प्रेम कहानी अधूरी रह जाती है, या यूं कहें कि उन दोनों का मिलन अधूरा रह जाता है, जिसके बाद
वो एक दूसरे से कभी नहीं मिलते। इस तरह से राधा अपने पति के साथ ही खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती है, तो वहीं दूसरी तरफ विराज भी अपनी नई लाइफ की शुरुआत करता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।